हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबा लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और उनको भी कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि जो गुलाम वंश था ना, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक जिसे हम कह देते थे, और उसके बाद जो भी जितने भी वहाँ पर जो राजा हुए, ठीक है, जितने भी 4-5 वंश हुए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक उन्होंने राज किया था। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे कि चैप्टर 2 में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था कि वहाँ पर कावेरी डेल्टा में लोगों ने बहुत ही कोशिश की कि कब्जा किया जाए, कन्नौज के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, बट हमने वहाँ पर कहीं भी दिल्ली का नाम नहीं सुना था, ठीक है ना। क्योंकि जो दिल्ली की बात थी ये ना 12वीं शताब्दी में ही इसका जो हम कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस था ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अब इसका भी देखेंगे क्यों, क्योंकि ना ये हमारा इधर से नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही जो आक्रमण थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। जैसे कि आप देखेंगे कि कल भी हमने पढ़ा था ना, जो युद्ध हुआ था किनके बीच में, जो हमारा तराइन युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में, एक तो था मोहम्मद गौरी के बीच में और जो पृथ्वीराज चौहान था, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन वन का जो युद्ध था, ठीक है, तराइन वन की जो बैटल थी वो 1991 में हुई थी, ठीक है, सॉरी 1191 में, ठीक है ना, 1991 में हुई थी। और दूसरी बैटल हुई थी पानीपत, सॉरी तराइन की, वो 1192 में हुई थी। तो 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान था वो तो जीत गया था और जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया था, बट दूसरे युद्ध में उसने इतनी तैयारी की नहीं। और एक राजा जयचंद वाली भी कहानी है कि उसने उसको हेल्प देने से मना कर दिया था, जिसके कारण जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी फिर हार हो गई थी और उसको मरवा दिया गया था, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि जो ये मोहम्मद गौरी हुआ करता था, इसके बाद कैसे कैसे ये जो इनका साम्राज्य था वो फैलना शुरू हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहले तो ये जो पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है ना, ये कहाँ पर राज किया करते थे, आप अगर देखें ये अजमेर या फिर दिल्ली वाले साइड पर ही आपको राज करते हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे जो रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे, जैन जो कि व्यापारी हुआ करते थे, इन्होंने भी बहुत सारे यहाँ पर मंदिर बनवाए थे। यहाँ पर सिक्के भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको दहलीवाल कहा जाता था, तो यहाँ पर सिक्कों की भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो ये हमें बातें ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पर लोगों ने भी सिक्कों का जो इस्तेमाल था वो यूज़ करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हम और भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिल्ली है कोना नाम की एक जगह दिखाई दे रही होगी, जहाँ पना और सिरी, ठीक है ना, तुगलकाबाद भी, तो ये सारे जो एक फिरोज शाह कोटला, ठीक है ना, तो ये भी जो फिरोज शाह एक वहाँ पर राजा हुआ करता था, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो रूलर्स हुआ करते थे दिल्ली के, ठीक है, तो सबसे पहले जो एक तोमर वंश हुआ करते थे, ठीक है, तोमर वंश लगभग अर्ली 12th सेंचुरी के 12वीं शताब्दी की बात है, उससे पहले की बात है। तो 1165 में इनका सबसे एक फेमस राजा हुआ करता था आनंगपाल, जिसने 1130 से लेकर 1145 तक राज किया। फिर चौहान, आपको पता ही है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं, 1175 से लेकर 1192 तक इन्होंने राज किया था। अब बात करेंगे हम तुर्किश रूलर की, जैसे कि तुर्किश रूलर कौन से थे, जैसे कि इनमें ना इसको हम मामलुक डायनेस्टी भी कह देते हैं या फिर स्लेव डायनेस्टी भी कह देते हैं, कि जो गुलाम वंशज था इसमें भी 3-4 राजा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। एक तो था जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, शमशीशुद्दीन जो इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान जो ग्यासुद्दीन जो बलबन हुआ करते थे, तो ये सारे जो स्लेव डेंसिटी के अंडर ही आया करते थे। तो हम चलो अब हम यहीं से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, ठीक है ना, तो ये किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी की जब मौत होने वाली थी 1206 में, तो इसके जो गुलाम हुआ करते थे, इसके वैसे मेन ना 3 गुलाम हुआ करते थे, तो उसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी हुआ करता था। इसके पास लाहौर वाली साइड वाला जो एरिया था ना वो था इसके कंट्रोल में, तो पर धीरे धीरे ना इसने जो अपनी कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर लिया, उसको दिल्ली बना दिया, ठीक है। तो फिर बाद में इसने भी थोड़ी बहुत, इसका वैसे जो इसने राज किया वो ज़्यादा टाइम तक राज किया नहीं, इसकी ना लगभग 4 सालों बाद ही मृत्यु हो गई। एक पोलो गेम खेल रहा था, तो पोलो गेम से ना घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शमशुद्दीन जो इल्तुतमिश था उसकी 1210 से लेकर 1236 तक इसने राज किया,
और इसने बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया। जो रियल फाउंडर कहा जाता है ना, कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से राज किया, वो जो अपना प्रशासन था उसको चलाया, वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। कि इसने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया, जैसे कि इसने ना एक चहलगानी नाम का, जैसे कि 40 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसका इसने गठन किया था, कि जो कि उसको सलाह मशवरा दिया करते थे, जो कि उसके बहुत ही लॉयल हुआ करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने ना और भी बहुत सारे जो राज थे ठीक है, उनको भी बहुत ही अपना विस्तार किया, बहुत सारे इसने युद्ध वगैरह जीते, तो इसने बहुत सारे काम किए। और उसके बाद रजिया सुल्तान आई, ठीक है। ये वैसे ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ये दामाद हुआ करता। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा आपने सुना होगा, और यहाँ पर आपको कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपको अजमेर में मिल जाएगी, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। और आपको जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान भी मान सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छी रूलर थी, बट ये सिर्फ जो एक हुआ करते थे ना मिन्हाज सिराज, तो मिन्हाज सिराज ऐसा लिखते हैं कि अगर रजिया सुल्तान के पास ना जो सारी खूबियां थी जो कि किसी योद्धा में होनी चाहिए, बट ये सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि ये सिर्फ लड़की थी, ठीक है ना। तो 4 साल बाद ही बहुत सारे वहाँ पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो आपको वहाँ पर एक और नसीरुद्दीन मोहम्मद नाम का एक बंदा मिल जाएगा, जो कि इसका भाई हुआ करता था रजिया सुल्ताना का। फिर उसको गद्दी पर बैठाया गया, जो कि अभी छोटा था, एक्सपीरियंस उसको था नहीं। फिर उसके बाद गयासुद्दीन जो बलबन था वो राजा बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने ना बड़े ही आयरन क्लड जो होती है, जैसे कि इसने ना बड़ी सख्ताई से रूल को स्थापित किया। और जिसने जो इल्तुतमिश ने जो 40 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया था ना, सबसे पहले इसने उसको कुचलने का काम किया, जो भी इसके खिलाफ विद्रोह हुआ करते थे उसको ये नष्ट करने का काम इसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन के बाद अब खलजी डायनेस्टी थी, ठीक है ना, वो आ गई। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने ना जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, ठीक है, इसको मारकर इसने अपना राज्य फिर चलाया। और अलाउद्दीन जो खिलजी हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने ना अपना राज्य को काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े अच्छे तरीके से संभाला, और काफ़ी इन्होंने विस्तार भी किया जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। जैसे कि जो भी उसके सोल्जर हुआ करते थे ना, उनको ये रेगुलर पैसे भी दिया करता था। और ये क्या करता था, और जितने भी जैसे सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, उनके ना जैसे कि उनको उनका एक रिकॉर्ड बनाकर इसने रखना शुरू कर दिया था। हॉर्स होते हैं ना जो घोड़े, उनकी ब्रांडिंग का काम भी इसने ही शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की ही बात कर रहे हैं। और इसने और भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले काम भी किए थे, जैसे कि जो टैक्स लिया जाता है वो भी इसने इस हिसाब से लिया कि लोगों पर ज़्यादा भार ना पड़े, जैसे कि वहाँ पर जितने भी किसान होंगे उनको ज़्यादा बर्डन ना हो, ऐसा इसने टैक्स लगाया था। और इसने और भी जैसे कि ऑडिटिंग का काम, कि जो भी इसके राज में पैसे का लेन देन का काम हो रहा है, सबको लिखित रूप में अच्छे ढंग से लिखा जाए, और इसने ये भी काम किया था। और इसने क्या किया था कि जो इसके दरबार में जो भी सोल्जर हुआ करते थे ना, जैसे कि जो भी सेना हुआ करती थी, उनको पैसे तो देता था, बट उनको बड़े कम पैसे दिया करता था। क्यों? क्योंकि कम देने के बाद, ठीक है, कम देने के बाद वो वहाँ ना इसने कुछ मार्केट्स बनवा दी थी, ठीक है, कुछ मार्केट्स इसने गठन करवा दी थी, जहाँ पर आपको जो भी प्राइजेज, जो भी चीज़ें आपको खरीदनी है वो आप वहाँ से खरीद सकते हो। और वहाँ पर जो प्राइजेज होंगे, ठीक है, उन चीज़ों के, जैसे कि आपको जो नेसेसरी गुड्स होती है ना, जैसे कि चावल हो गए, या फिर आपको आटे के लिए जो हमारी वीट होती है, या फिर जो चीनी होगी, कपड़े हो गए, और भी जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, उनके लिए आपको ना वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। मतलब कि कम सैलरी में ही वहाँ पर सारा काम चल जाता था। और इसने कुछ लोग भी नियुक्त किए हुए थे कि उस बाज़ारों में अगर कोई ज़्यादा पैसे वसूलेगा तो उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो इस तरह की हमें बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आपको ना ये भी थोड़ा सा जान के पता लगेगा कि इसके बाद इसने सीरी फोर्ट का ना जो स्थापना थी, जो सीरी शहर था, इसने ही उसको बनवाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की ना 1300 लगभग 16 में मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर गाजी मलिक नाम का एक गवर्नर हुआ करता था, उसने ना अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कोई था जो उसके बाद उस गद्दी को लेने वाला था, उसको मार दिया, ठीक है। उसका नाम खुसरो मलिक था, खुसरो मलिक को हरा दिया गाजी मलिक ने, और गाजी मलिक ने अपना नाम बदल कर रख दिया गयासुद्दीन तुगलक। और फिर गयासुद्दीन तुगलक फिर आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि तुगलक डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो गयासुद्दीन
तुगलक ने कर दी थी। अब गयासुद्दीन तुगलक ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि जो भी आपको टैक्सेस देखने को मिलते हैं उसने 1/10 कर दिया कि आप जितना भी दूसरा करोगे ना उत्पादन, आप उसका 1/10 पार्ट मुझे दे देना। तो इसी तरह की बातें हमें ये भी देखने को मिलती हैं। और इसने एक नया ही शहर बना दिया था, तुगलकाबाद, ठीक है ना, तुगलकाबाद इसने एक शहर बनवा दिया था। और इसने यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि गार्डन्स हो गए, किले हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसने बनवाने का काम किया था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने ना बहुत ही बड़ी मूर्खताएं वाली हरकतें की थी। ये पढ़ा लिखा तो बहुत था, बट इसके पास ना सिर्फ पढ़ी लिखी वाली ही डिग्री थी। पढ़ा लिखा आप जिसको आजकल अनपढ़ कह सकते हैं कि इसको ज्ञान तो बहुत था, बट उसी ज्ञान को अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की बात आ जाए तो फिर ये बिल्कुल ही एकदम से निल था, कि इसको आता जाता कुछ था नहीं, बस किताबी ज्ञान था इसको। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसको ना इतिहास में पगला राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ना एक तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। तो उन गलतियों के बारे में भी देख लेते हैं कि इसने ना एक जो अपनी राजधानी थी उसको दिल्ली से हटाकर एक दौलताबाद नाम का एक शहर हुआ करता था, जिसे हम देवगिरी भी कहते हैं, तो इसने नाम भी चेंज कर दिया, देवगिरी में इसने स्थापित करवा दिया, ठीक है। ये साउथ में होता था, ये राज्य महाराष्ट्र वाली साइड में आप मान सकते हैं। तो ये इसने सोचा कि शायद ना मैं वहां से अगर राज करूंगा तो मैं ना पूरे भारत पर ही कंट्रोल कर पाऊंगा, बट इसको ये बहुत ही बड़ी गलती थी। वहां पर आपको पता है कि वहां पर बीमारियां फैल गई, महामारी फैल गई, फिर इसको वहां से आना पड़ा, और वहां पर तो फिर इसको बड़ी समस्या होने लग गई। फिर इसने ना एक टोकन करेंसी हुआ करती थी, जैसे कि एक टोकन करेंसी जो कॉपर के जो कॉइन होते हैं ना, एक सस्ते हिसाब से आप मान लीजिए कि सस्ते जो सिक्के होते हैं इसको इसने जारी करवा दिया। तो लोगों ने क्या कर दिया, एक लोगों ने नकल करनी शुरू कर दी, जैसे कि वो नकली फर्जी सिक्के बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। वो जो सोने के या फिर चांदी के जो सिक्के होते थे वो तो खुद अपने पास रख लेते थे, और ये सिक्कों को जो बाजार में इस्तेमाल करते थे। तो इससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ व्यापार के, क्योंकि जो बाहर से व्यापारी आया करते थे उन लोगों को तो असली सिक्के चाहिए थे, तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया कि हम तो नहीं लेंगे, और व्यापार भी थोड़ा सा ठप जैसा हो गया था। और भी इसने बहुत सारी गलतियां की थी, जैसे कि इसको कहा गया कि ना जो उधर हमारी सेंट्रल एशिया है उससे हमले होने वाले हैं, तो इसने ना आर्मी को पहले से ही पैसे पूसे बहुत ज़्यादा दे दिए। फिर वहाँ पर जंग वगैरह लगी नहीं, तो फिर उसका जो खजाना था वो भी खाली हो गया। और बाद में इसने एक और डिसीजन लिया कि ना मैं जितनी भी टोकन करेंसी है, जितनी भी इसने इशू की थी करेंसी को, फिर उसने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जगह ना अब सिल्वर कॉइन है या फिर जो भी दूसरे कॉइन है उनसे हम बदल देते हैं। तो इसके बदलने से क्या हुआ कि सारा खजाना खाली हो गया, और जो फर्जी कॉइन थे, ठीक है, जो फर्जी कॉपर के जो सिक्के बनाए गए थे, उनके बदले में भी इसको असली के जो सिक्के हैं वो इसको देने पड़े थे। तो ये भी बात हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसने बहुत ज़्यादा इतिहास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना भी पड़ा। और इसका इसके मरने के बाद, ठीक है, इसको इसके बाद जो एक फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में ही, जिसने 1351 से लेकर 1388 तक राज किया था, ये जब आया तो इसने क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ना, इसका कोई बेटा था नहीं, मोहम्मद बिन जो तुगलक था ऊपर वाला, इसका कोई बेटा था नहीं। तो इसके बाद जो ये फिरोज शाह तुगलक था इसको राजा बना दिया गया। और जो फिरोज शाह तुगलक था ये भी राजा वैसे बनना चाहता नहीं था, तो जब इसको बनाया गया ये बड़ा ही अच्छा राजा था। और इसने ना बहुत सारे आपको जो मस्जिद होती हैं, मदरसे होते हैं, हस्पताल होते हैं, इसने बनवाने का काम किया था। और इसने ना बहुत सारे डैम्स, जैसे कि जो कैनाल्स होते हैं, इसको भी बनवाने का काम किया था। और इसने ना इतिहास में सबसे पहली बार, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया कर होता था ना, कि जो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, उसको लगाने का काम इसने ही किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके बाद ना जो तैमूर लंग हुआ करता था, मंगोल का जो राजा था, उसने ना हमला कर दिया भारत पर। उसके हमले से ही तो इसने ना सारा तहस महस कर दिया इंडिया को, जो हमारा भारत था उस टाइम का, उसको बहुत ज़्यादा लूटा। और इसने ना 1414 में खिज्जर खान नाम का, फिर उसी टाइम पर सैयद डेंसिटी की स्थापना की गई थी, खिज्जर खान नाम का जो बंदा था इसको राजगद्दी सौंप दी, कि अब कहा कि हाँ अभी तू राज कर यहाँ पर। और उसी टाइम पर जो खिज्जर खान था तभी इसकी जो होगी स्थापना होगी खिज्जर डायनेस्टी की भी। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी 1451 में। फिर इसको ये राजा बन गया। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इसके बाद इसका बेटा हुआ करता था, ठीक है, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी जिसका नाम था, सिकंदर लोधी आया, इसने भी फिर अपना राज था उसको भी थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सटेंशन जो उसका विस्तार करने की कोशिश की, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, इसके बाद इसका भी दूसरा आया इब्राहिम लोधी, उसका भी बेटा था। तो इसी तरह हमें ये सारी बातें देखने को मिलती हैं कि इब्राहिम लोधी के साथ ही
ठीक है, जो युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में, पानीपत की जो बैटल हुई थी वो इसके साथ ही हुई थी, फिर उसमें वो हार गया था। और फिर जो मुगल होते हैं उनकी जो स्थापना थी, जो बाबर वंश था, बाबर था, इसके साथ ही युद्ध हुआ था, उसकी स्थापना हो गई थी। तो हमने ये बेसिक सी जानकारियाँ तो देख ली कि इतनी सारी बातें हुई थी, ठीक है। ये सिंगल पेज को ही आप चाहे ना 1 आवर इसकी डिस्कशन की जा सकती है। तो मैंने आपको बस इंटरेस्ट के लिए ये सारी बातें बताई, हालांकि ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई नहीं है, फिर भी हम थोड़ी बहुत बातों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, यहाँ पर हमें इनकी जानकारियाँ मिलती कैसे कैसे हैं। तो हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, ठीक है, और एक तवारीख टाइप मिलती हैं जिन पर हमें इनकी जो जानकारियाँ हैं वो सारी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑथर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमें इन सभी बातों की जानकारियाँ देते हैं। और यहाँ पर 1236 में, ठीक है, जो इल्तुतमिश की जो लड़की, जो डॉटर थी, बेटी थी, उसको यहाँ पर राज गद्दी मिल गई थी, ठीक है। मिन्हाज सिराज, फिर वही हमने डिस्कस कर ही लिया कि वो तो कहता था कि ये बहुत ही ज़्यादा काबिल है, ठीक है, कि ये योद्धा टाइप है, कि ये राज कर सकती थी, बट ये सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पर जो महिलाओं को इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। उस टाइम पर कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ पुरुषों के अधीन रहकर ही काम करेंगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे उनको कहा जाता था, इसलिए कि सिर्फ ये लड़की थी, इसीलिए ही इसको 1240 में, मतलब कि लगभग 4 साल बाद ही इसको हटा दिया गया था, इसकी जो राजगद्दी थी, और फिर उसके बाद जो इसका भाई था उसको वहाँ पर लगा दिया गया था। तो यहाँ पर मिन्हाज सिराज वही बातें लिखते भी हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर और भी कुछ रानियाँ हुआ करती थी, जैसे कि एक रुद्रमा देवी नाम की एक यहाँ पर आपको महिला देखने को मिल जाती है, जिसने जो कि जो जैसे पुरुष रहा करते थे ना, जो जैसे कि आदमी रहा करते थे, वो उसी तरह वहाँ पर राज किया करती थी। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, वरांगल वाली जगह हुआ करती थी, वहाँ पर उसने राज किया था। और आपको एक और रानी मिल जाती है, जैसे कि रानी दिद्दा जिसका नाम था, कि ये सबसे पहली महिला थी जिसने कश्मीर में 980 से लेकर 1003 तक इसने राज किया था। तो आपने इसको भी याद रखना है कि अगर हम स्लेव डेंसिटी में बात करें तो वो रजिया सुल्तान थी जिसने राज किया था, बट अगर हम सबसे पहली महिला की बात करें तो वो रानी दिद्दा थी। तो ठीक है ना, तो आपको ये समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो गैरिसन शहर हुआ करते थे, तो ये गैरिसन शहर कौन से हुआ करते थे? तो ये गैरिसन जो शहर हुआ करते थे ये ना किलेबंदी वाले ये शहर थे, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जितने भी राजा हुआ करते थे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पर जो भी उनके राज हुआ करते थे उनको एक्सपेंशन करने की कोशिश की। अलग अलग राजा आए, जैसे कि मोहम्मद तुगलक हो गए, गयासुद्दीन, और भी बहुत सारे जो भी राजा थे, ठीक है, जो भी यहाँ के सम्राट कह सकते हैं या फिर जो भी इनके सुल्तान हुआ करते थे, इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए कि ठीक है कि इन पर राज किया जाए। और आपको पता ही है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, वो किनके द्वारा बनवाई गई थी? ये कुतुब दिन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, और इसमें एक्सपेंशन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और जो आपको एक मस्जिद मिल जाती है, मस्जिद वैसे होती क्या है, ठीक है, तो मस्जिद में वही है जहाँ पर ये लोग अपना किया करते थे, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं सारे इकट्ठे होकर अल्लाह से जो भी ये पूजा करते हैं, ठीक है, वो किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एक बेगमपुरी जो मस्जिद हुआ करती थी, ये किनके टाइम पर बनवाई गई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये बनवाई गई थी, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये जो कौन सी बेगमपुरी मस्जिद थी वो बनवाई गई थी। और यहाँ पर हमें एक और बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर और भी जो मस्जिद हुआ करती थी, जैसे हम कहते हैं कि मोठ की मस्जिद, ठीक है ना, मोठ की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के जो भी मिनिस्टर हुआ करते थे ये उनके द्वारा बनवाई गई थी। और यहाँ पर आपको एक जमाली कमाली एक मस्जिद थी, वो भी आपको 1520 में ये बनवाई गई थी, ये वाली जो मस्जिद हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंदर खिलजीज एंड तुगलक की, जो खिलजीज और जो तुगलक हुआ करते थे, ठीक है ना, क्योंकि स्लेव डेंसिटी के बाद, ठीक है, स्लेव जो डेंसिटी थी, अगर एक बार हम उसको जरूर देख लेते हैं ऊपर से, जो यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर राजा थे, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पर अर्ली तुर्किस जो रूलर्स हैं, ठीक है ना, ये स्लेव डेंसिटी के रूलर थे, ठीक है, मामलुक जिसे वंशज कह सकते हैं। इसके बाद खिलजी और तुगलक यहाँ पर है ना, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले जो सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, कि इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इनका जो क्लोजर लुक है इनको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया था। तो दिल्ली सुल्तान नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो यहाँ पर इनके जो राजा हुआ करते थे, तो यहाँ पर इनको बड़ा ना
समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि थोड़ी सी कमजोरी आई नहीं तो इनके जो यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे वो ना विद्रोह करना शुरू कर देते थे। और यहाँ पर जो आपको खलजीज और तुगलक देखने को मिल जाएंगे ये ना अपने जो गुलाम हुआ करते थे इनको ना बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इनको ना पालन पोषण किया करते थे, जैसे कि जो स्लेव या फिर आप मान लीजिए खरीद कर लाते थे या फिर जो भी करते थे, जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी तो गुलामी था। तो ये ना उस टाइम पर ये देखा जाता था कि जो ये गुलाम होते थे इसको ना ये काफ़ी भरोसा किया करते थे इस पर। तो ये इस तरह की भी हमें बातें देखने को मिलती हैं कि ये ना जो गुलाम हुआ करते थे इसको अपने बच्चे से भी ज़्यादा ये बढ़कर माना करते थे। और यहाँ पर जो गुलाम थे ये बड़े ही लॉयल भी हुआ करते थे अपने जो भी उनके सुल्तान हुआ करते थे उनके। और बाद में ये जो राजा थे या फिर सुल्तान थे बाद में ना अपनी जो राजगद्दी थी इन्हीं को सौंप दिया करते थे, या फिर और भी बहुत सारी जो ऊंची ऊंची पदवियां हैं ये इनको यहाँ पर दे दिया करते थे। और कई बार ना ये हमें देखने समस्याएं भी देखने को मिल जाती थी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुलाम है, ठीक है, उसने वो ना राजा को या फिर जो भी सुल्तान था उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बड़े ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो उसको कोई ऊंची पदवी दे दी, ठीक है, ऊंची हायर पोस्ट दे दी, तो उन्हीं के घराने में जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो जलने टाइप लग जाते थे कि यार इस ऐसे कैसे भी किसी को भी ये जगह है, ठीक है, जो भी पोजीशन है वो उनको दे दी गई। तो ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं बातें। और यहाँ पर जो खलजीज और तुगलक हुआ करते थे ये क्या करते थे, ये जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे ना, जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे ये इनको ना कुछ जमीनें दे दिया करते थे जिनको इक्ता कहा जाता था, ठीक है, इक्ता कहा जाता था। और ये जिसको होल्ड करने वाला होता था उसको इक्तेदार कहा जाता था या फिर मुक्ति कहते थे। तो क्यों, क्योंकि इनकी क्या ड्यूटी हुआ करती थी, जो इक्तेदार या मुक्ति हुआ करते थे कि आपने ना इस जमीनों से, ठीक है, आपको ये जमीनें तो दे दी गई, आपको इन जमीनों से कैसे मर्जी आप पैसा इकट्ठे करो, कर इकट्ठा करो, और आपकी जो सेना है उसको आप पैसे दो या फिर कुछ भी करो, ठीक है ना। तो आपको अगर अपनी सेना को पे करना है तो आपको इसी पैसे से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कई बार देखने को मिल जाता था कि ये ना इसी से ही पैसे दिया करते थे। और कई बार ये जो इक्तेदार हुआ करते थे ये काफी शक्तिशाली हो जाते थे, इसलिए ना तो इन्होंने एक तरीका अपनाया था कि अगर हम जिसको भी यहाँ पर इक्तेदार नियुक्त करेंगे ना तो धीरे धीरे इन इक्तेदारों की बदली भी करते रहेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण उनका ज्यादा दबदबा या फिर प्रभाव ना बना रहे। और यहाँ पर जो दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड चैंपियंस द सामंतस एरिस्टोक्रेट रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो जब दिल्ली सुल्तानों का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ कि जो ये सामंत हुआ करते थे, ठीक है, जो भी हम जिसे इक्तेदार भी कह सकते हैं, तो इनको भी बाध्य किया गया कि आप भी अब ना जो टैक्स है उसको भी पे करेंगे, ठीक है, आपको भी ये टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको तीन टाइप्स के जो कर थे वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक तो खराज जिसे कहा जाता था, जिसको आप ना कल्टीवेशन पे, जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं उस पर देना पड़ेगा, जैसे अगर आप 50% से ज़्यादा आपको ना 50% आपने जितना भी उगाया है उसका देना पड़ेगा। और दूसरा आपको पशुओं पर भी कर देना पड़ेगा। तीसरा आपको जो आपने घर बनवाए हैं उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। और ये भी देखा गया था कि यहाँ पर जो दूर दूर के जो इलाके हुआ करते थे इनको कंट्रोल करना ना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था, जैसे कि जो दिल्ली के सुल्तान हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये एक साइड एक जगह पर, जैसे कि ये जो दिल्ली के सुल्तान थे वहाँ से वेस्ट बंगाल को या फिर जो साउथ का कोई एरिया है उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था। और यहाँ पर जैसे कि कुछ कबीलाई लोग हुआ करते थे, ठीक है, जंगलों में जो लोग रहा करते थे तो वो कुछ टाइम तक तो वहाँ पर वो कब्जा कर लेते थे, बट बाद में वहाँ के जो और लोग हुआ करते थे जो जंगलों में रहा करते थे वो क्या करते थे, फिर से इन लोगों के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको मारकर अपना जो राज था वो फिर से स्थापित कर लिया करते थे। मतलब ये कि जो भी ये दिल्ली से जो भी सुल्तान हुआ करता था उससे ये पूरा एरिया अच्छे से जो गवर्नर वो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर जब ना मंगोल का चंगेज खान नाम का एक बंदा हुआ करता, गेंगेज खान भी जिसे कह देते हैं, तो इसने जब हमला किया था तो कैसे ये जो दो राजा थे इन्होंने कैसे डील किया वहाँ की सिचुएशन से, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउद्दीन खलजी की, फिर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसको हम पगला राजा भी कहते हैं, इतिहास ही कहता है कि यहाँ भी ये पगला राजा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो दिल्ली पर जब हमला हुआ 1299 और 1300 के बीच में, और जब 1302 या फिर 1303 के बीच में, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि डिफेंसिव मेजर अपनाया। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने जो अपनी आर्मी थी इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की, और अलाउद्दीन खिलजी ने ना एक नया गैरिसन एक शहर बनवाया था, सीरी हमने देखा था ना ऊपर एक लोकेशन में जब चैप्टर शुरू ही हुआ था, ठीक है, आप ऊपर एक बार करके देख भी सकते हैं। तो एक सीरी नाम का एक शहर हुआ करता था जो कि गैरिसन शहर हुआ करता था, उसका इसने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और यहाँ पर जो सोल्जर हुआ करते थे उनको खिलाने के लिए,
ठीक है, लोगों पर कर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो इसने ना 50% टैक्स कर दिया था कि आप जो जितना भी उगा रहे हैं ना, गंगा और यमुना के बीच वाले जितने भी एरिया हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा लगभग 50%। और जो सोल्जर हुआ करते थे उनको भी पैसे दिए जाने लगे, और यहाँ पर जो भी सोल्जर हुआ करते थे इनको ना पैसे जो थे, ठीक है, सोल्जर सैलरी कैश रैदर देन इकताज, कि इनको इकताज के रूप में, जैसे कि इकता भी हमने देखा था ना कि उनको ज़मीनें दे दी जाती थी कि आप इनमें से ही उनको पे करेंगे, इसके बजाय इसने ना पैसे देना ही ठीक समझा। और यहाँ पर इनको जो सप्लाइज़ ख़रीदने के लिए जो भी वहाँ पर मार्केट्स थी, ठीक है, उनको भी कंट्रोल में रखा। तो ये सबसे पहला एक हम कह सकते हैं सुल्तान था जिसने वहाँ की जो प्राइजेस थी, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखा, जो कि बाज़ार की जो कीमतें हैं उसको नियंत्रण करने का काम इसने किया था। और जो अलाउद्दीन का जो प्रशासन था, ठीक है, उसने भी इसको बड़े ही अच्छे ढंग से थोड़ा सा लागू करवाया था, जैसे कि चीप प्राइजेज एंड एफिशिएंट सप्लाइज ऑफ गुड इन द मार्केट, की जो हमारे बाज़ार में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से थोड़ा सा कंट्रोल में करवाना, तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए कि अपनी आर्मी को अच्छी तरह से इसने स्ट्रांग बनवाया था। अब हम वही बात करेंगे मोहम्मद तुगलक की। तो इसने क्या क्या किया था, तो इसने इस पर ये द सुल्तान सुल्तान द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन, कि जब ना मोहम्मद तुगलक का जब हमला होने वाला था तो मंगोल आर्मी वाज डिफेटेड। तो पहले यहाँ पर एक बार हमला हुआ था, ठीक है, यहीं पर, तो इसको लगा ना कि मेरी आर्मी है ना अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बट इसके ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी। इसने कहा कि अब मैं ना हमला करने जाऊँगा कहाँ पर, ट्रांसॉक्शोनिया, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसॉक्शोनिया नाम की एक जगह मिल जाएगी। इसने कहा कि मैं यहाँ पर हमला करूँगा और उनको मार गिराऊंगा, बट ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसके बाद इसने क्या किया, एक नया गैरिसन जो शहर था दिल्ली है कोहना नाम की, इसने जगह बनवा दी। और इसने क्या कहा कि ना इसने ना जितने भी वहाँ पर लोग थे उनको जो अपनी राजधानी थी वो दौलताबाद करवा दी थी, ठीक है, हमने वो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था वैसे तो, कि इसने ना दौलताबाद जो कि साउथ में एक राजधानी हुआ करती थी जिसे हम देवगिरी भी कहते हैं, वहाँ पर इसने राजधानी चेंज करवा ली। और इसने क्या किया, इसने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्से लगवा दिए, ठीक है, जो यहाँ पर टैक्स लगवा दिए, जैसे कि प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि फैमिन आया हुआ था, कि यहाँ पर सूखा पड़ा था, और सूखे के टाइम पर इसने लोगों पर कह दिया कि आप डबल कर भरो, ठीक है, अब लोग कहाँ से भरेंगे अगर उनके पास है ही नहीं, कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो लोग बड़े दुखी हुए थे इससे। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी गलती थी। और इसने क्या किया मोहम्मद तुगलक ने, किसने ना सोल्जर्स को काफ़ी टाइम पहले ही कुछ ज़्यादा सैलरी एडवांस में दे दी थी, और इसने टोकन करेंसी हमने देख लिया था कि एडवांस में इसने वो कर दी थी, ठीक है, उनको दे दी थी, टोकन करेंसी जारी कर दी थी, जिसके कारण इसको ना बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रशासनिक जो कारण थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको फेलियर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये इसने पढ़ा लिखा तो ये बहुत था, बट इसके पास जो किताबी ज्ञान ही था, इसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी नहीं, जिसके कारण इसने जितने भी काम किए वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए घातक ही साबित हुए हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ने कैसे ही, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो भी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, उसको कैसे डील किया, आपको ये देखकर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की फेलियर की। तो यहाँ पर हमने वो देख ही लिया कि इसने कैसे कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ियाँ गलतियाँ की। और हम बात करते हैं सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी की, 15वीं और 16वीं शताब्दी के जो सल्तनान सुल्तान थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो ये हमारा सल्तनत काल था, ठीक है ना, तो ये 1526 तक ही चला था, और बाद में जो लोधी हुआ करता था, लोधी वंश का जो आखिरी राजा था उस पर हमला कर दिया था। किसने उस पर हमला कर दिया था, बलबन ने। बलबन आपको पता ही है, तो बलबन मुगल टाइम का जो राजा हुआ करता था, सम्राट जिसे कह सकते हैं, उस टाइम पर मुगल वंश की फिर शुरुआत हो गई थी, उसी टाइम पर जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है ना। तो फिर उस टाइम से क्या हुआ उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मुगल वंशों के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर इतना ही था, अब हम लास्ट में एक टॉपिक और देख लेते हैं, थ्री ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड्स, नाइट्स एंड कर्सुएट्स की। यहाँ पर आपको ना आपको यहाँ पर तीन श्रेणियां मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स, ये है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, फ्रांस में। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर भी भारत में भी तो श्रेणियों में लोगों को बांटा गया था, तो इनको यहाँ पर सिर्फ तीन श्रेणियों में ही बांटा गया था, एक तो यहाँ पर जो लड़ती थी, दूसरी जो यहाँ पर फसलें उगाती थी, और एक जो वहाँ पर पूजा किया करती थी। तो यहाँ पर यही बातें थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।